अटेम्प्ट नंबर 17 श्री नितिन गडकरी जी। माननीय स्पीकर महोदया, यस, मेरे एजेंडा में जो निवेदन है वो मैं सभागृह के सामने रखा हूँ। हमारे देश में, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, करीब 6 लाख करोड़ रुपए का हम लोग क्रूड ऑयल आयात करते हैं। हम विश्व में 6ठा बड़ा उपभोक्ता है, जो वर्तमान में प्रतिवर्ष 2900 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9000 करोड़ लीटर डीजल की आवश्यकता है। यह खपत वर्ष 2030 तक दुगना हो जाएगी और भारत विश्व में तीसरा बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। पर इसके कारण हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस क्रूड ऑयल के लिए हमारा आयात बिल जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन ईंधन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन GHG सहित पर्यावरण को भी विपरीत रूप से प्रभावित किया गया है। भारत विश्व में तीसरा बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। दिल्ली जैसे शहरों में लगभग 30% प्रदूषण ऑटोमोबाइल से है। सड़कों पर ऑटोमोबाइल की बढ़ती संख्या प्रदूषण की ओर बढ़ा रही है। अब सरकार के लिए देश में शहरी प्रदूषण को कम करने के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत करने का समय आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए 2022 तक आयात को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कच्चा तेल आयात हमारी विदेशी मुद्रा को कम कर रहा है और विश्व के साथ हमारी लेन देन की शक्ति को भी कम कर रहा है। हमें वैश्विक संदर्भ का भारतीय ईंधन बनाने की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य 2021 साल तक कम से कम 5 मिलियन टन का मिथेनॉल का उत्पादन है। मिथेनॉल कोयले से होता है और कोयला हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप इसको चाहे तो ले भी कर सकते हो, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो अगर महत्वपूर्ण है। यस, यू कैन। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैसे BHEL, CIL और ACIL कोयले के माध्यम से और तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम स्टैंडर्ड गैस के माध्यम से मिथेनॉल का उत्पादन करने पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान में मिथेनॉल ईंधन ही पेट्रोलियम पदार्थ का विकल्प है जो कोयले से तैयार होता है। यह परिवहन, रेलवे, समुद्री क्षेत्र, जनरेटर सेट, पावर जनरेशन में डीजल की आवश्यकता को पूरा करेगा और देश के पर्यावरण की रक्षा भी करेगा और प्रदूषण को कम करेगा। मिथेनॉल आधारित संशोधक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए आदर्श पूरक हो सकते हैं। मिथेनॉल हाइड्रोजन आधारित ईंधन प्रणालियों का भी सेतु है। मिथेनॉल लगभग 0 SOx और NOx उत्सर्जन, लगभग 0 प्रदूषण होता है, पूरी तरह से प्रदूषण कम करने वाला ईंधन है। मिथेनॉल का गैसीय रूप DME के LPG के साथ मिलाया जा सकता है। अमेरिका में 20% LPG में ये DME मिलाया जाता है, उससे कॉस्ट भी, गैस की जो घरेलू गैस की गैस है वो भी कम होगी और कोयले से मिथेनॉल और मिथेनॉल से DME एक नया रिवोल्यूशन होगा और 6,000 करोड़ की बचत देश में होगी, उतना ग्राहकों का फायदा होगा। बसों और ट्रकों के डीजल के लिए भी ये बेहतर पर्याय है। मिथेनॉल के प्राकृतिक गैस इंडियन हाई एश कोल, बायोमास, MSW स्टैंडर्ड और फ्लोट गैसों से बनाया जा सकता है। भारतीय कोयले और सभी अन्य फीड स्टॉक से 19 रुपये प्रति लीटर के दर से मिथेनॉल का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आज का डीजल का भाव 60 रुपये लीटर है। विश्व कार्बन डाइऑक्साइड से नवीनीकरण मिथेनॉल की दिशा में पहल की जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल का निरंतर रिसाइकलिंग मानव के लिए सबसे अधिक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान बन सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत प्रतिवर्ष 4 लाख से अधिक मौतें वायु प्रदूषण से होती है। पिछले कुछ वर्षों में ईंधन के रूप में मिथेनॉल और DME का उपयोग काफ़ी बढ़ा है। मिथेनॉल की सालाना 6 से 8% तक उत्पादन बढ़ी है। विश्व में मिथेनॉल की 120 MT की क्षमता संस्थापित की है और यह वर्ष 2025 तक लगभग 200 MT हो जाएगी। चीन ने लाखों वाहनों को मिथेनॉल पर चलाने के लिए बदला है। वर्तमान में चीन में परिवहन ईंधन के रूप में लगभग 9% मिथेनॉल का प्रयोग हो रहा है। अकेला चीन विश्व में 65% मिथेनॉल का उत्पादन करता है। वह मिथेनॉल पैदा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करता है। इजराइल, इटली ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल के 15% के मिश्रण कार्यक्रम को अपनाया है। यह तेजी से M85 और M100 की ओर बढ़ रहा है। जापान, कोरिया मिथेनॉल और DME का काफ़ी उपयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने GM ईंधन, गैसोलीन, इथेनॉल और मिथेनॉल अपनाया है और लगभग 56% मिथेनॉल को मिश्रित करते हैं। मिथेनॉल विश्वभर में समुद्री क्षेत्र में ईंधन की पसंद बन गया है। स्वीडन जैसे देश इसके उपयोग में सबसे आगे है।
1500 से ज़्यादा लोगों को ढोने वाले बड़े यात्री जहाज पहले ही 100% मिथेनॉल पर चल रहे हैं। 11 अफ्रीकी और कई करीबियन देशों ने मिथेनॉल को कुकिंग ईंधन को अपनाया है। पूरे देश के विश्व में जेनेसेट और औद्योगिक बॉयलर डीजल की बजाय मिथेनॉल पर चल रहे हैं। विश्व द्वारा इस मानवता के लिए स्थायी ईंधन समाधान के रूप में अपनाया जा रहा है। विश्वभर में शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इस समस्या के लिए मिथेनॉल एक महत्वपूर्ण समस्या है, महत्वपूर्ण समाधान है, भारत की आवश्यकता। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमने ये पॉलिसी स्वीकार की जो मैं आपके सामने घोषित कर रहा हूँ। भारत इंडियन हाई एच कोल स्टैंडर्ड गैस और बायोगैस का उपयोग करके साल 2025 तक वार्षिक रूप से 20 MT मिथेनॉल का उत्पादन कर सकता है। भारत के पास 125 बिलियन टन का कोल रिजर्व है। यह प्रतिवर्ष 500 मिलियन टन बायोमास पैदा होता है। स्टैंडर्ड और फ्लोट गैसों के उत्पादन के लिए यह मात्रा पर्याप्त है। इससे वैकल्पिक फीड स्टॉक और ईंधनों के आधार पर ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित होने की बहुत बड़ी अधिक संभावना है। नीति आयोग ने वर्ष 2030 तक मिथेनॉल द्वारा 10% कच्चे तेल के आयात की प्रतिस्थापना के लिए एक योजना रोड मैप तैयार की है। इसके लिए लगभग 30 MT मिथेनॉल की आवश्यकता होगी। मिथेनॉल और DME पेट्रोल और डीजल से काफ़ी हद तक सस्ते हैं। भारत 2030 तक अपना ईंधन बिल 30% तक कम करने की कोशिश कर रहा है। 19 रुपये प्रति लीटर की दर से मिथेनॉल का उत्पादन करना, ये नीति आयोग ने जो मैप दिया है। भारत यह कोयला उपयोग करेगा जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा। मिथेनॉल का लगभग 40% उत्पादन बायोमास, स्टैंडर्ड गैस और MSW के फीड स्टॉकों से हो सकता है। मिथेनॉल का उपयोग रेल, सड़क, समुद्री और रक्षा परिवहन में हो सकता है। मिथेनॉल और DME का उपयोग LPG = DME मिश्रण कार्यक्रम घरेलू कुकिंग ईंधन कूल स्टोव्स के रूप में हो सकता है, जो अमेरिका में 20% है। मिथेनॉल का उपयोग मरीन के लिए जनरेटर सेट के लिए और परिवहन के लिए फ्यूल सेल एप्लीकेशन में हो सकता है। हम गंगा में 40 रिवर पोर्ट बना रहे हैं और 500 बार जो बना रहे हैं वो पूरे मिथेनॉल बंकर रखकर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण गंगा प्रदूषण से भी मुक्ति होगी। भारत जल्दी ही परिवहन क्षेत्र में इसका जो निर्णय हुआ है, भारत जल्द ही पेट्रोल के साथ 15% मिथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम कार्यान्वित करने जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन हमने निकाला है। मौजूदा वाहन के इंजनों को बहुत कम परिवर्तनों के साथ 15% मिथेनॉल और डाई मिथाइल इथर DME में बदला जा सकता है। इससे पेट्रोल की लागत तुरंत 10% तक कम होने की संभावना है। जल्द ही बसों और ट्रकों के लिए M100 यानी 100% मिथेनॉल का भी कार्यान्वित कार्यक्रम करने वाले हैं। मेरे मंत्रालय ने परिवहन ईंधन के रूप में M15 यानी 15% मिथेनॉल, M100 यानी 100% मिथेनॉल और DME की प्रारूप अधिसूचना पहले ही तैयार कर ली और घोषित कर दी है। ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है। अधिकाधिक रूप से अधिसूचित करने के लिए विधि मंत्रालय से क्लियरेंस की भी आशा कर रहे हैं। भारत ने इसराइल के साथ मिथेनॉल 15 के मिश्रण कार्यक्रम पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। वैश्विक इंजन विनिर्माता जैसे वॉल्वो, कैटरपिलर, मर्सिडीज, मेक इन इंडिया के अंतर्गत इन इंजनों का विनिर्माण भारतीय विनिर्माताओं के सहयोग से करने वाले हैं। इससे बड़ी FDI का भारत में निवेश होगा और इस क्षेत्र के विकास के साथ इंजन क्षेत्र में रोजगार पैदा होगा। समुद्री क्षेत्र में भारत में मिथेनॉल पर चलने वाली पहली मालवाहक नौका अगले 12 महीने में तैयार कर ली जाएगी। हमारे मंत्रालय के ओर से 500 मालवाहक नौकाओं को मिथेनॉल में परिवर्तित करने की योजना रोडमैप तैयार किया है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली में भी मिथेनॉल को अपनाने के लिए एक मंत्रिमंडल नोट तैयार की जा रही है। भारत पतन क्षेत्र में 50 जहाजों और सरकारी कंपनियों के स्वामित्व वाले विभिन्न जहाजों को भी मिथेनॉल पर परिवर्तित किया जाएगा। विश्वभर में इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिथेनॉल को सख्ती से अपनाया जा रहा है। हमारा मंत्रालय भारत में भी इसी प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से लाने के लिए सभी वैश्विक और राष्ट्रीय विनिर्माताओं से संपर्क में है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होगा। समुद्री और अंतर्देशीय दोनों में सभी समुद्र विनिमय इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन नियमों और वैश्विक मानकों के अनुरूप मानकीकृत करने के लिए भी किया गया है। स्वीडन के पास मिथेनॉल पर चलने वाली 17 नौका है, बड़ी नाव है और 1500 यात्री क्रूज है। मैं इतना ही सदन को बताना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक निर्णय करने के कारण मिथेनॉल का LPG के साथ 20% अगर मिश्रण किया गया तो गैस का सिलेंडर सस्ता होगा और 6000 करोड़ रुपए की बचत होगी। और इसके साथ साथ हमारे ट्रक और बसेस में भी ईंधन जाएगा। सरकार ने इसके ऊपर निर्णय किया है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया है
और जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हम इंपोर्ट को कम करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ये सपना इससे निश्चित रूप से पूरा होगा। ये नीति को अंतिम स्वरूप देकर निर्णय घोषित किया, ये मैंने सदन के सामने रखा है। धन्यवाद।